दिन हम लोग बात कर रहे थे कि मदरसा चुम्बे में मोमेंटम नहीं आ रहा पास हम लोग का सितंबर मंथ से, लेकिन आज के दिन देखेंगे तो स्टॉक ने 5.5% का ऊपर की तरफ अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 65.50 रुपये के अराउंड। तो अब क्या फ्यूचर में यहाँ से एक अच्छा खासा हम लोग को हायर हाई बनते हुए दिख सकता है? बात करेंगे। स्टॉक में हम लोग को प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस था जो कि 65 रुपीज़ का लेवल था, जो कि स्टॉक ने आज सक्सेसफुली ऊपर के लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है 65 रुपीज़ के ऊपर। तो यहाँ से शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक अच्छा खासा टारगेट देखने मिल सकता है, लेकिन उससे पहले हम लोग सपोर्ट का बात करते हैं, फिर हम लोग टारगेट का बात करेंगे। स्टॉक में नीचे की तरफ सपोर्ट है जो कि अराउंड 60 रुपीज़ का लेवल है। तो मदरसन सुमे में किसी ने आज के दिन बाई किया या फिर ऑलरेडी बाई कर रखा है तो आप सबका स्टॉप लॉस होगा अराउंड 60 रुपीज़ के पास, क्योंकि जब तक स्टॉक 60 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा स्टॉक में कोई नेगेटिव की बात नहीं है, लेकिन जिस दिन स्टॉक 60 रुपीज़ के नीचे ट्राई करेगा निकलने का तो स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा, हम लोग को नीचे की तरफ ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ तक का भी गिरावट देखने मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस हो जाएगा अराउंड 60 रुपीज़ के पास। ऊपर की तरफ टारगेट क्या देखने मिल सकता है बात करते हैं। स्टॉक ने हम लोग को फाइनली एक 65 रुपीज़ का ब्रेकआउट दिखा चुका है, तो ऊपर की तरफ हम लोग का शॉर्ट टर्म के हिसाब से पहला टारगेट हो जाएगा जो कि अराउंड 70 से लेकर 75 रुपीज़ तक का होगा, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग को मदरसन सुमी 100 रुपीज़ तक का भी टारगेट दिखा सकता है। तो कोई फ्रेश बाइंग करने का सोच रहा है या फिर और क्वांटिटी ऐड करने का, तो अगर हम लोग को नीचे की तरफ 1-2 रुपये गिरावट देखने मिले तो आप लोग और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं या फिर एक 70 रुपीज़ का ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार स्टॉक 70 रुपीज़ के ऊपर निकलेगा तो स्टॉक में एक हायर हाई हम लोग को बनते हुए देख सकता और लगभग ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ तक का टारगेट देखने मिला है। क्योंकि देखेंगे तो स्टॉक ने एक हम लोग को राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न बना रहा है, जहाँ से हम लोग को 70 रुपीज़ तक का टारगेट बहुत ईजिली देखने मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।